फिर से पढ़ते हैं। असर्पभूतायां रज्जौ सर्पारोपवत् वस्तुनि अवस्त्वारोपोऽध्यारोपः वस्तु सच्चिदानन्दानन्ताद्वयं ब्रह्म सच्चिदानन्दानन्ता वस्तु सच्चिदानन्दानन्ता ब्रह्म अद्वयं ब्रह्म अज्ञानादि सकल जड़ समूहो वस्तु अज्ञानन्तु सदसद्भ्याम् अनिर्वचनीयम्। इसको साथ में बोलना हो तो मैंने एक साथ करना तो भ्या ऐसा करके थोड़ा रुक के फिर मनिर्वचनीय ऐसा बोलेंगे सदसद्भ्याम सदसद्भ्याम अनिर्वचनीयम्। हाँ पूरा म बोल देंगे तो ठीक आएगा। भ्या भ्या नहीं भ्या मनिर्वचनीय सदसद्भ्याम अनिर्वचनीयम् त्रिगुणात्मकम् ज्ञानविरोधी भावरूपम् यत्किञ्चित् इति वदन्ति अहमज्ञ इत्यादि अनुभवात् देवात्मशक्तिं स्वगुणैर्निगूढाम् इत्यादि श्रुतेश्च इत्यादि श्रुतेश्च बढ़िया। तो क्या बोलते हैं अध्यारोप। अध्यारोप क्या वस्तु है? तो बोले वस्तुनि अवस्त्वारोप अध्यारोप। वस्तु के ऊपर अवस्तु का आरोप इसको अध्यारोप कहते हैं। वस्तुनि अवस्तु आरोप अध्या रूप ये मुख्य परिभाषा है। वस्तु के ऊपर अवस्तु का आरोप इसको अध्यारोप कहते हैं। बोले महाराज दृष्टांत बताओ तो दृष्टांत दिया रज्जौ सर्पारोपवत। जैसे रज्जु पर सर्प का आरोप हुआ तो सर्प क्या है? बोले अध्यारोप है। क्यों अध्यारोप है भाई? उसको हम वस्तु ही क्यों न मान लें? क्योंकि जिस जगह पे आप सर्प देख रहे हो उसमें सर्प नाम की कोई चीज नहीं है। क्या बोलते हैं असर्प भूतायाम रज्जौ। ये बारीकी आपको सीखनी चाहिए। ये केवल रज्जु नहीं है। कैसी रज्जु है? असर्प भूतायाम रज्जौ। वह रज्जु जो किसी भी प्रकार से सर्प नहीं है, वह रज्जु जिसमें सर्पत्व नाम मात्र का नहीं है। असर्प भूतायाम रज्जौ। रज्जु का विशेषण है क्या? असर्प भूत।
असर्प भूतः रज्जुः ऐसा बोल सकते हो, लेकिन सप्तमी का प्रयोग है ना, तो क्या करेंगे, असर्प भूतायाम रज्जौ। वह रज्जु जो किसी भी प्रकार से सर्प नहीं है, उस असर्प भूत रज्जु में सर्प का आरोप करना, माने जो वो नहीं है उसमें उस चीज का आरोप कर देना, ये अध्यारोप है। इसी तरह से अवस्तुनि, यहां क्या लिखा था, असर्प भूतायाम, तो दार्ष्टान्त में क्या लिखा, अवस्तुनि वस्तुनि, सॉरी वस्तुनि अवस्तु आरोपः, तो वस्तु में अवस्तु का आरोप कर देना। वस्तु में वस्तु का आरोप करें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन वस्तु में अवस्तु का आरोप करो तो वह अध्यारोप है। इस पर बड़ा बढ़िया बात हुआ, चर्चा हुई कि बोले भाई आप सर्प देखते हो रज्जू पर मान लो, तो रूप के दर्शन में प्रमाण क्या है, नेत्र है। वो सर्प आपने किससे देखा, नेत्र से देखा, तो प्रमाण सिद्ध हुआ वो तो सर्प नहीं, क्या आंख बंद करके तो सर्प देखा नहीं, कान से तो नहीं देखा मेरे ख्याल से, नासिका से किसी ने नहीं देखा होगा, जब भी देखा तो नेत्र प्रमाण से देखा, तो सर्प को आपने उचित प्रमाण से देखा, रूप रंग के विषय में जो प्रमाण है उसी प्रमाण से आपने सर्प को देखा, तो सर्प प्रमा यथार्थ प्रमा होनी चाहिए। अच्छा, बोले नहीं वो तो रज्जु है। अच्छा ठीक है, रज्जु को कैसे देखा आपने, बोले नेत्र प्रमाण से, तो नेत्र प्रमाण ने ही दो प्रमा उत्पन्न की, एक को आप भ्रम बोलते हो, एक को आप प्रमा बोलते हो, ये क्यों, आप एक फूल को छूते हो कोमल लगता है, फिर एक पत्थर को छूते हो कठोर लगता है, दोनों प्रमा स्पर्श के विषय में है, प्रमाण क्या है, तो अगेंद्री, ठीक है, तो दोनों प्रमा सही है, पुष्प की कोमलता भी सही और पत्थर की कठोरता भी सही, क्यों सही, क्योंकि दोनों का प्रमाण सही है। अब कैसे करोगे, तो वो बोलते हैं कि भ्रम न्याय दर्शन का इस विषय में सहयोग है, वो कहते हैं प्रमा कब भ्रम कहलाएगी, जब प्रमेय वस्तु का व्यवहार में उपयोग न किया जा सके, क्रिया अनुपयोगी हो, अव्यवहार्य हो, जैसे दृष्ट सर्प से कोई व्यवहार नहीं हो सकता, लेकिन रज्जु के साथ आप फिर व्यवहार कर सकते हो, बना, उस रज्जु का आप प्रयोग कर सकते हो क्रिया में, व्यवहार में, ठीक है ना, आकाश की नीलिमा यथार्थ है कि मिथ्या है, तो बोले मिथ्या है, क्यों बोलते हो ऐसा, मैं तो प्रयोग नहीं कर सकते उसका, केवल दिखती है, ऐसा प्रमा के रूप पर बहुत चिंता हुई है, चिंतन किया है हमारे पूज्य 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 आचार्यों ने, धीरे धीरे आपके सामने कुछ कुछ आएगा, फिर धीरे धीरे आपको स्वयं भी इसमें लगन लगा के पढ़ना होगा। तो अब
अवस्तुनि अवस्तु आरोपः, ध्यान रखना यह जो भ्रम है, आरोप क्या हुआ, एक प्रकार का भ्रम हुआ, वो भी भ्रम काल में प्रमा ही लगता है। जब तक रज्जु का बोध न हो जाए तब तक वह यथार्थ ही लगता है। नहीं नहीं ये तो सर्प ही है, क्या बात करते हो, देखो वहां पानी लहरा रहा है और आप कहते हो कि वहां पानी की एक बूंद भी नहीं है। यथा भानुकर वारी, तो सीप में चांदी दिखती है और तुम मना करते हो। ये व्यक्ति दुर्जन दिखता है और तुम कहते हो सज्जन है। बोले ये तुम्हारा डिस्प्यूटेड है, ये चांदी और सीप वाला तो ठीक है। अरे असली भ्रम तो इधर होता है कि किसी सज्जन व्यक्ति में वस्तुनी दुर्जनता का आरोप किया जाए। क्या हुआ, अवस्तु आरोप है। अरे इसी को अध्यारोप कहते हैं, और किसको बोलते हैं। सज्जने दुर्जनता याह आरोप अथवा दुर्जने सज्जनता याह, इसको अध्यारोप कहते हैं। उल्टा ज्ञान, इसको तो आरोप कहते हैं। बोले आरोप क्यों कहते हो, इसको भी कुछ ज्ञान जैसा ही बोलो ना, आंख खोल के ही तो देखा ना उसने। आरोप माने तो क्या हुआ कि आपने उस पर मढ़ दिया, ले जाके उसको रोपित कर दिया, आरोपित कर दिया। यू हैव प्लांटेड समथिंग, रोपणम समझते हो ना, रोप धान, जैसे धान का रोपण करते हैं, तो वैसे आपने अपनी एक खुराफात को क्या किया, दूसरे के सिर पर मढ़ दिया, इसको आरोप बोलते हैं। लेकिन हमने कुछ आरोप छोड़ो किया, हमें तो सर्प दिखा, तो अच्छा दिखा, मान लिया मैंने कि दिखा, पूरा मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप भी थोड़ा मान लो कि रज्जु देश में तो सर्प है नहीं है। बोले नहीं है, तो कहां है वो सर्प, फिर दिख तो रहा है तो कहां है। बोले बुद्धि देश में है। ध्यान रखना, ध्यान रखना कि सर्प रज्जु देश में नहीं है, कहां है, बुद्धि देश में है। उसकी निवृत्ति कहां होगी, रज्जु देश में कि बुद्धि देश में। वाह तो बढ़िया हो गया, अब तो ठीक है। चूंकि वह रज्जु देश में नहीं है, इसीलिए उसकी निवृत्ति रज्जु देश में नहीं करनी है। चूंकि वह बुद्धि देश में है, इसलिए नारायण बुद्धि देश में ही उसकी निवृत्ति करनी है। बहुत अच्छा, तो बुद्धि देश में कहां से आया, रज्जु में से तो आ नहीं सकता था। बुद्धि देश में कहां से आया, तो बोले पूर्व में हमने सर्प देखा था, उस देखे हुए सर्प का हमारे भीतर संस्कार था, वह संस्कार धुंधले प्रकाश में रज्जु देखने से जागृत हो गया। कौन जागृत हुआ, संस्कार। मेरा रज्जु दर्शन ने क्या किया, केवल सर्प के संस्कार को जागृत किया। अच्छा, तो सर्प का संस्कार जागृत हो गया, उद्दीप्त हो गया, और हमारे संस्कारों से चल करके वो कहां आ गया, बुद्धि देश में आ गया। वाह वाह वाह, बुद्धि देश में कहां से आया, संस्कार से आया, रज्जु से नहीं आया।
ध्यान रखना, ये अभी मैं दृष्टांत पर मीमांसा कर रहा हूं, इसका इम्प्लीकेशन बहुत गहरा होता है। रज्जू सर्प आप बहुत सुनते रहोगे लेकिन उसका विस्तार बहुत है और बहुत बारीक है। तो क्या बोलते हैं कि संस्कार देश से बुद्धि देश में आया, जो संस्कार जन्य वृत्ति होती है उसको स्मृति बोलते हैं, ज्ञान नहीं बोलते। प्रमाण जन्य वृत्ति को प्रमा बोलते हैं, लेकिन केवल संस्कार जन्य कोई वृत्ति हो तो उसको स्मृति बोलते हैं। बना? ज्ञान नहीं है फिर वो क्या है? स्मृति है। बहुत बढ़िया। अब स्मृति तक रह जाए तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन वह जो आई हुई स्मृति है उस स्मृति का हमने आरोप किया, कहा रज्जु में, इसलिए आरोप शब्द बना। आरोप शब्द की डेप्थ देखो कितनी है। लिटरली आपने अपने संस्कार से आई हुई एक इमेज को क्या किया? असर्पभूत रज्जु पर प्लांट किया, हो इंपोज किया। इसलिए निश्चित रूप से यह आरोप है, रोपण है, रोपण आरोपण है। पौधा कहां से लाए थे? अपने संस्कार में से उठा के लाए थे, संस्कार में से उठा के लाए, बुद्धि देश में आई वो स्मृति बन के, और उस स्मृति को हमने रज्जु के ऊपर आरोपित किया और कहा अयम सर्पः। ठीक है, तो अयम सर्पः ये स्मृति रूप है, प्रमा रूप नहीं है। लेकिन स्मृति उचित स्थान में हो तो केवल स्मृति कहते हैं, स्मृति अनुचित स्थान में हो तो उसको भ्रम कहते हैं। स्मृति मानो अपने मेरे मित्र की याद आई तो उसमें कोई गलत बात नहीं है, वो भ्रम नहीं कहलाएगा। उसको क्या कहेंगे? याद आई, स्मृति आई। लेकिन स्मृति अगर अनुचित देश में हो, है तो रज्जु और स्मृति उसके ऊपर चढ़ी किसकी? सर्प की। तो इसलिए वह जब ऐसी जो स्मृति है उसको क्या बोलेंगे? स्मृति भी नहीं बोलते, फिर क्या बोलेंगे? भ्रम। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इल्यूजन। भ्रम स्मृति रूप है, संस्कार से आई है, लेकिन उसको स्मृति नहीं कहते, भ्रम कहते हैं, क्योंकि हाँ क्योंकि वह अनुचित देश में आरोपित की गई है। मेरे मित्र की मुझको याद आई, बोले अच्छा ठीक है, कैसा है तुम्हारा मित्र, जरा थोड़ा सा ड्राइंग करके बताओ। बता दिया, अगर मुझे ड्राइंग आती है तो चित्र बना दिया, हो गया, इसमें कोई भ्रम नहीं है। दिस इज सियर मेमोरी। लेकिन दूर से एक लाल कपड़ा पहने हुए कोई आ रहा था, हमने सोचा कोई स्वामी जी आ रहे हैं। थोड़ा निकट आए तो पता चला कोई माता जी आ रही हैं। तो अब ये जो स्मृति है, किसी स्वामी की स्मृति, वो चढ़ बैठी, आरोपित हो गई। किस पर? अनुचित। हाँ बेटा ठीक है, माता जी पर, अनुचित देश में। ठीक बोला, उसमें गलत तो उसने बोला नहीं, हंसने का क्या है।
अनुचित देश में, केवल इतनी बात है कहना। स्मृति को अकेले ब्रह्म नहीं बोल सकते, मेरा एम्फेसिस बल इस बात पर है। स्मृति ब्रह्म तब होती है जब स्मृति अनुचित देश में की जाए, आरोपित हो। प्रमा का विषय प्रमेय देश में है, बुद्धि देश में नहीं है। भ्रमा का विषय बुद्धि देश में है, प्रमेय देश में नहीं है। भ्रमा माने सर्प, सर्प कहां बोले बुद्धि देश में, लेकिन रज्जु प्रमा है, यम रज्जु यह प्रमा है। इस प्रमा का प्रमेय कहां है, प्रमेय देश में है, रज्जु देश में है। इसलिए अगर रज्जु को हटाना होगा तो कहां हटाएंगे, रज्जु देश में हटाएंगे। बुद्धि देश में हटाने से हाँ रज्जु नहीं हटेगी। जो सचमुच में यथार्थ है उसको हटाने और निकट लाने या दूर ले जाने का साधन यह है कि आप वहीं पर ऑपरेशन करो, ठीक है, ठीक है। लेकिन भ्रम की वस्तु को आप बुद्धि में हटाओगे तो हटेगी, वस्तु देश में हटाओगे तो कभी नहीं हटेगी। बोले मैं नीलिमा को निकाल फेंकूंगा, नहीं हो, नहीं कर सकते, मर जाओगे करते करते, नहीं कर सकते। बुद्धि देश में निकलेगी वो। देखो मैं सुखा दूंगा इस पानी को, सुखा दूंगा, नहीं सुखा सकते क्योंकि वो वहां नहीं है, तद देश में नहीं है, बुद्धि देश में है। इसको भ्रम बोलते हैं, जिसका बाह्य देश में अस्तित्व ही नहीं है। कहां है अस्तित्व, बुद्धि देश में। अब बुद्धि देश में सुरक्षित रहे और हम बाह्य देश में उसकी निवृत्ति करना चाहें, नारायण कभी नहीं होगी। ठीक है, सुख दुख बुद्धि देश में है कि वस्तु देश में। मैंने कहा ना अभी तो मैं इम्प्लीकेशन नहीं बोल रहा हूं, ये तो केवल सिद्धांत है। अभी इसका जब इम्प्लीकेशन शुरू करोगे आप तो पता चलेगा कि बुद्धि देश में ही हजारों चीजें हैं, वस्तु देश में तो है ही नहीं। ये कंबल बड़ा मजेदार है, हाँ है। खूब गर्मी पड़ती हो दिल्ली या अहमदाबाद या इलाहाबाद की तरह, कानपुर की तरह, और वहां उस कंबल को आपको ओढ़ाया जाए दिन को महाराज तपती हुई गर्मी में, ब्रह्मचारी जी ओढ़िए, आप ही के लिए खरीदा था, पिछली सर्दी में आप आए नहीं तो गर्मी में ही सही। कंबल में सुख है, कंबल में केवल आपके शरीर की गर्मी को बाहर नहीं जाने देने का स्वभाव है, दैट्स ऑल। कंबल में गर्मी देने का स्वभाव भी नहीं है, आपको मालूम होना चाहिए। कोई कंबल गर्म नहीं होता, ब्रह्मचारी लोगों को मालूम होना चाहिए। आप समाज में जाते हो, क्या बोलते हैं बंबई की भाषा में, फेंकना मत। बंबई में क्या बोलते हैं, फेंकता है, फेंकता मैंने बकता है केवल। नो प्लीज, किसी कंबल में गर्मी देने की सामर्थ्य नहीं है। वो गर्मी का मतलब क्या, देह की गर्मी को वो बाहर नहीं जाने देता, बस ऐसा। सुख तो किधर से भी नहीं है, लेकिन तो सुख प्रतीत होता है, गुड। किस देश में है फिर वो
चलो ठीक है। इसलिए कहा अनुकूलम वेदनीयम सुखम, अनुकूलता का जो संस्कार हमारे भीतर पड़ा हुआ है उसके अनुसार बुद्धि में सुख आता है। एक आदमी को देखा और सुख हो गया, क्यों? संस्कार पड़ा हुआ है कि ये मेरा प्रेमी है, बस। एनीवे तो आगे बढ़ता हूं मैं, बढ़ने का समय है क्या? वस्तुनि अवस्तु आरोपः अध्यारोपः कथम असर्पभूतायां रज्जौ सर्पारोपवत। ये बढ़िया हो गया, एक सिद्धांत हो गया। बोले अच्छा ठीक है महाराज, ये वस्तु क्या है अवस्तु क्या है? तो बोले उल्लेख कहते हैं इसको, उद्देश्य मात्र। नाम जब किसी विवेचना का आरंभ होता है तो जिसका आप विवेचन करते हो उसका नाम लो, उद्देश्य करो। उद्देश्य माने गिव अ नेम, ठीक है? फिर उस उद्देश्य का लक्षण करो, फिर लक्षण की परीक्षा करो। ये है त्रिविधा शास्त्रस्य प्रवृत्ति। गांठ बांध लेना, इसको लिख लेना, त्रिविधा शास्त्रस्य प्रवृत्ति ही। शास्त्र की तीन प्रकार की प्रवृत्ति होती है, उद्देश्य लक्षण परीक्षा च। विवेचना करने के लिए पहले किसी चीज का उद्देश्य करो, नाम लो, फिर उसका लक्षण बताओ, प्रॉपर्टी बताओ, और फिर उस बताई हुई प्रॉपर्टी को चेक करो, रीचेक करो, रीचेक करो, हैं? परीक्षा करो उसकी। लोग बोलते हैं साइंटिफिक, साइंटिफिक का बाप है आपका ये वेदांत। अब बताओ और क्या करना है विवेचना में, किसी भी विवेचना में और करना क्या होता है? किसका विवेचन करना है? उसका गिव एनी नेम, उद्देश्य। एलिमेंट की परिभाषा क्या है? विच हैज गॉट प्रॉपर्टी, एम आई राइट? प्रकाश है ना, विच हैज गॉट प्रॉपर्टी। हमारे यहां तो कहा गया केवल प्रॉपर्टी से नहीं, लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि, इसको भी आप लिख लो, याद रखना। लेकिन किसी भी वस्तु की सिद्धि के लिए दो चीज चाहिए, लक्षण और प्रमाण। लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि, न केवल न लक्षणे न किंतु प्रमाणे न चापी। तो अब देखो, तो वस्तु शब्द कह दिया, वस्तु कौन है? नाम दिया ब्रह्मा, ये उद्देश्य है। लक्षण क्या है उसका? सच्चिदानंद अनंत अद्वयम्, ये लक्षण है, ठीक है? वस्तु सच्चिदानंद अनंत अद्वयम् ब्रह्मा। एक सत्ता, अच्छा कैसी है वो सत्ता? जड़ है कि चेतन है? बोले चेतन है, चेतन सत्ता है। अच्छा चेतन सत्ता दुख रूप है सुख रूप है? या चेतना होगी तो दुख सुख में कुछ न कुछ तो होगा, तो बोले आनंद स्वरूप है। ध्यान से इसको समझना, एक सत्ता जो चेतन है जो सुख रूप है, गुण नहीं है उसके, ये एक सत्ता है जो चेतन है जो सुख रूप है। इन तीनों को मिला के एक शब्द बनाया, सत चेत आनंद, ठीक है? ऐसी सच्चिदानंद सत्ता है,
वो सीमित है कि अनंत है? बोले अनंत है, क्योंकि रामानुजाचार्य जी ने सारी आत्माओं को सच्चिदानंद कहा। हम सभी क्या हैं? सच्चिदानंद स्वरूप हैं, लेकिन अनंत फिर एक भी नहीं होगा ना। तो ये क्या शब्द दिया उन्होंने, सच्चिदानंद। फिर आगे दिया, वह सत्ता अनंत है और अनंत होने के नाते अद्वितीय है, उसका कोई प्रतियोगी नहीं है। ये वस्तु सच्चिदानंद अनंत अद्वयम्, क्या नाम है उसका? बोले ब्रह्म। सबसे समीचीन नाम यही है। क्यों समीचीन है? ब्रह्म माने होता है व्यापक, अपरिच्छिन्न। बस बृहत्वात् ब्रह्म। वाह वाह। वस्तु सच्चिदानंद अनंत अद्वयम् ब्रह्म। अवस्तु क्या है? बोले अज्ञानादि सकल जड़ समूह अवस्तु। तो अज्ञान से लेके, अज्ञानादि माने अज्ञानी, अज्ञान एक्सेट्रा नहीं, प्लीज 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 प्लीज। आदि शब्द का अर्थ कई बार गड़बड़ करते हैं लोग। आदि माने इति आरभ्य, आदि माने आरंभ। तो अज्ञान आदि उस पूरे प्रपंच समूह में जिसका आदि है अज्ञान, सकल जड़ समूहस्य आदि किम? अज्ञानम्। सकल जड़ समूहस्य आदि ही किम, क्या अर्थ निकला? अज्ञानम्। तो शब्द क्या बनाएंगे? अज्ञानादि सकल जड़ समूह। अज्ञान से आरंभ होने वाला सकल जड़ समूह क्या है? अवस्तु। तस्य अवस्तुनः वस्तुनि ब्रह्मणि आरोपः इति अध्यारोपः। बस प्रश्न आएगा अब अज्ञान क्या है, तो चर्चा चलेगी। कल जो मैंने अज्ञान को सावयव कहा था वो दूसरे रेफरेंस में कहा था, और जो तुम लोगों ने कोट करके बताया वो इस श्लोक का, इस मंत्र का अर्थ था। इसलिए मेरे कान खड़े हुए कि संत नारायण जी को इस श्लोक में कहां से सावयव की बात सूझ सकती है, वो कोई परंपरा के थोड़ो हैं। किस संदर्भ में बोला था मैंने? तरति शोकम आत्मवित तदगत अज्ञान निवृत्त, ऐसा बोला था। प्रयोजनम तो तदैक्य प्रमेयगत अज्ञान निवृत्ति ही, इस शब्द पर मैंने बोला था कि अज्ञान सावयव है कि निरवयव है। वो कोई और रेफरेंस था और ये बिल्कुल अलग चीज है। इसलिए सावधान, बताते समय भी सावधान, मेरे कान ही खड़े हो गए। मैंने कहा इसको ध्यान रखना आप। वहां ये बता रहे थे हम, ध्यान रख लो फिर से, कि प्रमेयाकार जब तक वृत्ति न बने तब तक प्रमेयगत अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती। अनुभव ये है कि कभी कभी कुछ प्रमेयाकार बनती है वृत्ति और कुछ नहीं भी बनती है। तो हम कहते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि हम कुछ भी नहीं समझते, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम सब स्पष्ट समझते हैं। इस अनुभूति का अगर वेदांत की भाषा में विवेचन किया जाए तो कैसा विवेचन होगा? कि इसका मतलब है कि प्रमेयगत कुछ अज्ञान तो निकल गया, हाँ, और कुछ रह गया। इफ दैट इज सो देन अज्ञान सावयव हो गया, कुछ निकला और कुछ रह गया,
ऐसा। तो सावयव है कि निरवयव है, उभयात्मिकानो। ये अद्भुत चीज है। अज्ञान के ऊपर इतनी मोटी किताब अंग्रेजी में एक पब्लिश हुई, केवल अज्ञान के ऊपर है मेरे पास। तो ये ऐसे छोटे मोटे टॉपिक नहीं है, लेकिन अभी थोड़ा धीरे धीरे धीरे, बस आप सीरियस हो जाओ बस, बाकी तो ठीक है। जितना आप हो सकते हो सीरियस उतना हो जाओ, खिलवाड़ बंद कर दो, तब देखो शास्त्र का अपना एक आनंद होता है। ओम तत्सत, हरि ओम। ओम पूर्णमः अपवादन्यायेन सगुरुः श्रोत्रियः ब्रह्मनिष्ठः तस्मै उपसन्नाय शिष्याय उपदिशति। तो साधन चतुष्टय का निरूपण करने के बाद, अनुबंध चतुष्टय का निरूपण करने के बाद, विषय में प्रवेश कराते हुए सदानंद स्वामी जी ने शिष्य को गुरु प्रसत्ति कराई। अयम अधिकारी गुरुम उपसृत्य तम तम अनुसरति। यह जो शिष्य है वो गुरु के शरण में जाके और फिर उसका अनुसरण करता है। ऐसे शिष्य को फिर वो सद्गुरु तो अध्यारोप अपवाद न्याय से उपदेश करते हैं। अध्यारोप अपवाद न्यायेन सगुरुः एनम एनम उपदिशति। तो वो गुरुदेव उस शिष्य को अध्यारोप अपवाद शैली से उपदेश करते हैं। अध्यारोप क्या है इसकी परिभाषा करी उन्होंने, वस्तुनि अवस्तु आरोपः अध्यारोपः। वस्तु में अवस्तु का जो आरोप है उसको अध्यारोप कहते हैं। आरोप इसलिए है क्योंकि जिस चीज को हम वस्तु में देख रहे हैं वह चीज वस्तु में वास्तव में नहीं है, वस्तु देश में है नहीं, तो वो तो संस्कार देश से आई है, बुद्धि में और स्मृति रूप है, और अपनी इस स्मृति को हम प्रत्यक्ष वर्तमान वस्तु में देखने लगते हैं आरोप करके, परिवर्तन करके नहीं आरोप करके। जैसे तो रज्जु देश में सर्प नहीं है, आपके संस्कार देश में से निकला, बुद्धि देश में आया स्मृति बन करके, और सर्प स्मृति को हमने रज्जु के ऊपर आरोपित किया। इसलिए जो रज्जु है वह तो हुई वस्तु, और जो उस पर सर्प का आभास है वो क्या हुआ, बोले वो आरोप है। तो सचमुच में आरोप है, अपने आरोपित दृश्य को ही हम देख रहे हैं क्योंकि वह वस्तु देश में नहीं है। तो आप दूसरी परिभाषा भी चाहें तो बना लें कि जो दृश्य जो प्रतीति अपने अत्यंता भाव के अधिष्ठान में दिखती है उसको आरोप बोलते हैं।
जो दृश्य अपने अत्यंताभाव के अधिष्ठान में दिखती है उसको आरोप बोलते हैं, अध्यारोप बोलते हैं। जैसे सर्प वहां दिख रहा है जहां उसका अत्यंत अभाव है ना, त्रिकाल में अभाव है। सर्प किसी भी काल में रज्जु में नहीं है, नहीं था, नहीं होगा, इसको अत्यंताभाव बोलते हैं। तो सर्प कहां भासित हो रहा है, बोले वहां जहां वो त्रिकाल में नहीं है। तो इसको पारिभाषिक भाषा में बोलते हैं, तो सर्प अपने अत्यंताभाव के अधिष्ठान में प्रतीत हो रहा है, इसलिए मिथ्या है। स्वाधिष्ठाने स्वभावाधिष्ठाने भासमानत्वम मिथ्यात्वम, मिथ्या की एक परिभाषा यह है। स्वभावा स्वभावे स्वभावे आ लगाना, हाँ, स्वभावे अधिष्ठाने भासमानत्वम मिथ्यात्वम। स्वभावाधिष्ठाने स्वभावाधिष्ठाने भासमानत्वम मिथ्यात्वम। अच्छा भाई, तो वो क्या चीजें हैं जो कि अपने अत्यंता भाव में प्रतीत हो रही हैं? तो बोले अज्ञानादि सकल जड़ समूह। अज्ञान से लेकर के समूचा जो स्थूल प्रपंच है, हमारे प्रत्यक्ष अनुमानादि प्रमाणों से प्रतीयमान गम्यमान जो समूचा समूचा स्थूल प्रपंच है, वो सब का सब अवस्तु है, आरोपित है और वहां प्रतीत हो रहा है जहां वो नहीं है, ऐसा तो कह दिया उन्होंने, है ना। अब बोलते हैं अज्ञान क्या है, क्योंकि अज्ञान आदि, आदि शब्द से क्या बोला था मैंने, अज्ञान से लेकर, अज्ञान से प्रारंभ करके। यस्य प्रपंचस्य आदि ही अज्ञानम तत् प्रपंचम अज्ञानादि प्रपंचम, ऐसा। तो आदि में चूंकि अज्ञान बैठा है, तो अज्ञान की परिभाषा क्या है, किसको कहते हैं अज्ञान, तो आचार्य यहां शुरू करते हैं। अध्यारोप का जो प्रथम क्रम है, तो उसी का पहले विवरण करते हैं। अज्ञानं तु सद असद्भ्याम अनिर्वचनीयम्, पहली बात तो ये कह दी उन्होंने कि अज्ञान अनिर्वचनीय है। किस रूप से अनिर्वचनीय है, तो बोले सत्वेन असत्वेन वा न निर्वचनीयम इति अनिर्वचनीयम्। सत्ता की दृष्टि से वह अनिर्वचनीय है, वह नहीं है ऐसा कहते हुए बनता नहीं। कारण ऐसा है कि नहीं है तो जैसे सशृंग खरगोश का सिंह हो, तो वो तो किसी भी काल में नहीं है और उसको नहीं कहने में कोई समस्या नहीं है।